हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुगाड़। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं realme 5 प्रो के बारे में। ये मोबाइल जो है 14,000 का और थोड़ा सा जुगाड़ से ये मोबाइल आपको मिल सकता है 13,000 का। तो यार बात करते हैं कि यार क्या जुगाड़ है, और साथ ही साथ इस वीडियो में थोड़ा सा मिर्च मसाला मिलाने के लिए भाई थोड़ा सा फ्लैश सेल के बारे में बात करेंगे। फ्लिपकार्ट की और realme की जो फ्लैश सेल पड़ती है उसके बारे में कुछ मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई फ्लैश सेल में जनरली लोगों को मोबाइल नहीं मिल पाता है, तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। प्लस realme 3 प्रो और realme 5 प्रो के बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार पहले तो जुगाड़ की बात बता दूं, तो यार ये realme 5 प्रो फिलहाल 4 तारीख को फ्लिपकार्ट की फर्स्ट सेल पे आया था, मैंने खरीदा था फिलहाल। तो भाई बहुत मज़ेदार मोबाइल है और मुझे 13,000 का पड़ा था। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं अभी आपके स्क्रीन पे एक क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मेरे बिल की पर्सनली स्क्रीनशॉट। तो भाई ये देखो स्क्रीनशॉट, देख 14,999 मतलब 15,000 का ये मोबाइल है सेलिंग प्राइस, जो इसकी बॉक्स MRP भी है, प्लस डिस्काउंट 1,000 का जो फ्लिपकार्ट वालों ने दिया। एक्चुअल प्राइस 14,000 रुपये की हो गई, प्लस मुझे 2 डिस्काउंट पड़ा है, 750 ऑन ऑफ ऑन प्रीपेड ट्रांजेक्शन, 250 ऑफ ऑन EMI। पूरा डिटेल बताता हूँ क्या, तो एट द एंड 12,999, दैट मीन्स 13,000 का मुझे मोबाइल पड़ा। तो भाई पहले तो क्या सीन बना, कैसे मुझे ये डिस्काउंट मिला? तो भाई बहुत सिंपल सा सीन है, कोई भी नया मोबाइल फ्लिपकार्ट में लॉन्च होते हैं तो उनके होते हैं फ्लैश सेल, ठीक। उनके नीचे ऑफर्स होते हैं, उनके नीचे ऑफर्स को बस हम उनकी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन हमें पढ़नी होती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है, तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। अब फिलहाल मेरे केस में HDFC के कार्ड से अगर पेमेंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 750 का ऑफ, ठीक, मोबाइल पे। और अगर हम क्या कहते हैं एक्सिस बैंक के बस कार्ड से करेंगे पेमेंट तो हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा था। ये सीन था, फिलहाल मेरे पास HDFC का कार्ड था, किसी के पास अगर एक्सिस बैंक का है तो उसमें भी मिल जाएगा। तो भाई मेन पॉइंट ये था। चाहे एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। 750 का जो डिस्काउंट मुझे पड़ा, ये मेरा डिस्काउंट था क्या कहते हैं जो प्रीपेड ट्रांजेक्शन्स करे HDFC के कार्ड से, और 250 डिस्काउंट मुझे मिला क्यों ये मुझे नहीं समझ में आया। ये एक्चुअल डिस्काउंट था, अगर मैं आपको अगली एक इमेज दिखाऊं टर्म्स एंड कंडीशन की, तो इसमें लिखा है 750 इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड एंड 250 एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑल क्रेडिट कार्ड EMI। तो भाई EMI पे तो मैंने ये मोबाइल लिया नहीं, लेकिन तब भी मुझे डिस्काउंट पड़ा, हो सकता है मेरी किस्मत हो या जो भी है। तो भाई फिलहाल तो यार अगर मैं मार्केट की कंपैरिजन करूँ इस मोबाइल की, तो यार नो डाउट आज की डेट में मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है ये मोबाइल, और जिस दिन ये अवेलेबल होगा तो आई कैन गारंटीड यू, मुंबई दिल्ली की तो बात नहीं कर रहा लेकिन लखनऊ में 15,000 या 14,500 से कम में मोबाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई realme 3 प्रो का भी सेम सीन था। अच्छा बात करते मेन जुगाड़ तो मैंने बता दिया, अब सेकंड पॉइंट में आता है कि भाई फ्लैश सेल को कैसे हम क्रैक करें, बेसिकली कैसे हम अपनी अपॉर्चुनिटी बनाएं कि फ्लैश सेल हम आसानी से ग्रैब करें। भाई मैंने आज तक फ्लैश सेल से 4 मोबाइल मंगाए, realme 3 प्रो के 3 मोबाइल मंगाए और पहला ये मोबाइल realme 5 प्रो का मंगाए, तो डैट मीन्स एक्सपीरियंस तो है यार मेरे पास। तो उसके हिसाब से जहाँ तक मुझे लगा मोबाइल, मैं क्या करता था बेसिकली फ्लैश सेल से पहले, मैं 15 मिनट पहले मैं भी अपना पूरा सेटअप रेडी करके बैठ जाता था। दो आईडी मेरी कंप्यूटर में खुली होती थी और दो आईडी मेरी दो मोबाइल पे खुली होती थी। 4 आईडी एटलीस्ट तुम रखना, चारों में एक साथ तुम्हें ट्राई मारना होगा, बार बार रिफ्रेश करना होगा। कोई वो ज़रूरी बात नहीं होती कि तुम फेवरेट में डाल के रखो ना डाल के रखो अपना ऑर्डर को, 15 मिनट आना, खोल लेना, जो कलर तुम्हें चाहिए जो वेरिएंट चाहिए उसको सेलेक्ट करके रखना। और प्लस फॉर एग्जांपल जैसे भैया मेरा जो कलर था क्रिस्टल ग्रीन था, ठीक, फॉर एग्जांपल हमें पर्पल चाहिए होता, ठीक, तो तुम दोनों रखो वेरिएशन, क्रिस्टल ग्रीन भी पर्पल भी रखो, ताकि हो सकता है क्रिस्टल ग्रीन का आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो पर्पल ग्रीन तुम्हें मिल जाए। तो कलर भी दोनों ऑप्शन रखना, सारे वेरिएशन को ट्राई मार के रखना, प्लस तुरंत तुरंत रिफ्रेश करना, जैसे ही आएगा तुरंत बाय नाउ बेटा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अपना जो क्रेडिट कार्ड होगा उसको पहले ही फ्लिपकार्ट में सेव करके रख लेना, ताकि तुम्हें बाद में वो जो तुम्हारा पूरा डिजिट होता है कार्ड नंबर उसको भरने में टाइम ना लगे, उसमें टाइम लगता है तो तुम्हारा होता है जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम होती है वहीं पे होती है। प्लस भाई कार्ड वार्ड जब तुम सब सेव कर लोगे और तुम अपना क्या कहते हैं सारा कुछ सेव करके पहले से सेटअप करके रखोगे तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। अच्छा मेरे इस मोबाइल पे आते समय जब मैंने पेमेंट किया था तो पेमेंट फंसा भी था, फंसा इन द सेंस मैंने कार्ड से ट्रांजेक्शन किया, CVV कोड मंगाया, OTP आया, OTP भरा, ट्रांजेक्शन प्रोसीजर चल रहा था लेकिन ट्रांजेक्शन प्रोसीजर फेल हो गया। उस सिचुएशन में कभी घबराना मत,
जैसे ही कैंसिल हो ट्रांजेक्शन, तुरंत दोबारा ट्रांजेक्शन करो, तुरंत दोबारा ओटीपी मंगाओ। मेरे इस केस में, इस मोबाइल के केस में क्या हुआ था, पहला ट्रांजेक्शन फेल हो गया, दूसरे ट्रांजेक्शन में ऑर्डर कन्फर्म हुआ। तो भाई तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद लगता है 20-25 सेकंड का मैक्सिमम टाइम होता है तुम्हें पूरी अपनी ऑर्डर को खरीदने तक का, मतलब पूरा पेमेंट ऑप्शन करने तक। तो एड्रेस सब सेव करके रखना, तभी तुम्हें आएगा फ्लैश सेल में, प्लस 3-4 विंडो खोल के रखना। दूसरी मेरी टिप ये है कि भाई फ्लिपकार्ट में नंबर ऑफ यूज़र्स जो तुम्हें खरीदने वाले होंगे वो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है भाई ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर तुम रियलमी ले रहे हो या कोई और मोबाइल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल शॉमी का ले रहे हो, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहले ट्राई करना, क्योंकि दोनों की जो सेल होती है वो एक ही डेट और एक ही टाइम पे होती है। ऑब्वियसली बात है, देखो मैंने तो यार क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाया, तो उसका तो चलो ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट से पहले मंगाया था तो मुझे टैक्टिक्स मालूम थी, लेकिन अगर मैं रियलमी के वेबसाइट से मंगा लेता तो और आसानी से आता। तो ट्राई दोनों करना, फ्लिपकार्ट प्लस रियलमी दोनों के वेबसाइट को खोल के रखना। एक कंप्यूटर में तुमने खोल लिया, एक मोबाइल में खुला ही हुआ है, तो उसके थ्रू तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी मोबाइल मिलने की। ठीक, ऑफ़र देख लेना। ऑफ़र यार इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हर कोई भी नए मोबाइल में ऑफ़र आता तो आता ही है। अब भाई इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप जा रहे हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस मोबाइल की, ठीक, तब आपको ये ऑफ़र मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी मैं गारंटी ऑब्वियसली बात है नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर होगा, जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन वाली पेज खोली थी उसमें भी लिखा हुआ था। ठीक, तो यार वो तो मैं नहीं गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन हाँ नो डाउट रियलमी 3 प्रो जब मैंने खरीदा था तो भी मुझे 13,000 का पड़ा था। अब बात समझो, 14,000 का मोबाइल है, मुझे रियलमी 3 प्रो भी 13,000 का पड़ा और ये भी 13,000 का पड़ा। अब मैं छोटा सा एक कंपेरिजन सेशन कर लेता हूँ कि भाई क्या कंपेरिजन। देखो भाई मोबाइल में अगर सच बात का जो मुझे फ़ायदा लगा यूज़ करने से, तो ये जो क्वाड कैमरा सिस्टम है यही थोड़ा ठीक ठाक लगा, क्योंकि भाई क्वाड कैमरा सिस्टम में जो इनका अल्ट्रा वाइड और जो माइक्रो लेंस है वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि हाँ यार एक एडिशनल फीचर दिए उसी प्राइस पॉइंट में। बाकी ओवरऑल लेआउट रियलमी 3 प्रो से बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं है। प्रोसेसर की बात करें उसमें 710 था, इसमें 712 है, कोई अंतर नहीं है, दोनों 10 नैनोमीटर बेज में है। स्पीड की मान लो अगर भाई कहीं पे लिखा भी हो कंपैरिजन में कि भाई इतने से इतने गीगाहर्ट्ज का अंतर है, तुम्हें फील नहीं होगा यार। अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो रियलमी 3 प्रो और रियलमी 5 प्रो में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट में करके बताओ। भाई कैमरा नो डाउट अच्छा है, फ्रंट कैमरा वही सेम है 16 मेगापिक्सल, 4x64 का मैंने वेरिएंट लिया, तो सब बाकी सब कुछ A to Z सेम है। अच्छा चार्जिंग का एक जगह मुझे इशू आया था, चार्जिंग में बोला गया था कि भाई चार्जिंग रियलमी 5 प्रो की ज़्यादा 20 वॉट्स की है, उसकी 18 वॉट्स की, ऐसा मुझे सुनने में था। लेकिन मैंने चार्जर को जब दोनों को चेक किया तो दोनों चार्जर बिल्कुल सेम है। मैं इस समय भी इस मोबाइल को रियलमी 3 प्रो के ऑफिशियल चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आती। हाँ भाई तुम्हें सी पोर्ट मिल जाएगा, उसका तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या मेरी शेयर की हुई नॉलेज थोड़ी सी भी प्रॉफिटेबल लगी हो या ख़राब भी लगी हो, तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूँ। आप बताओगे तभी मैं सुधर पाऊँगा ना। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, थोड़ा सा यार एप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों की वजह से, क्योंकि यार क्यों वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों की वजह से बना रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वाली जुगाड़ू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।